वेट लॉस करना है और आपने मन में ठान लिया है कि वेट लॉस करना है, तो सिर्फ ठानने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ काम भी करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। सुबह जब भी आप उठें, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ 10 से 15 मिनट आप ज़रूर निकालिए खुद के लिए, वॉक करिए। अगर आप दौड़ सकते हो तो आप रनिंग भी कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद आप बाकी का जो ब्रश वगैरह करना है वो कर लीजिए, और फिर एक अच्छी सी ड्रिंक ले लीजिए, जिसमें आप गुनगुना पानी ले सकते हो 2 ग्लास, या फिर आप जीरे वाला पानी ले सकते हो, या फिर आप किशमिश का पानी और मेथी दाना, कोई भी पानी आप ले सकते हो, जो भी आप प्रेफर करते हो वो। और बाकी तो हमारे घर में इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि हम लोगों के लिए वही सारी एक्सरसाइज होती है, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए आपको अपने लिए भी एक्सरसाइज के लिए एक प्रॉपर टाइम देना ही होगा अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। तो ये वाला वीडियो काफ़ी पहले का है, मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ, तो उसका एक रीज़न है कि ये मैं एडिट नहीं कर पाई थी। और इस टाइम पे मैं ज्ञानों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ, तो बहुत सारा काम निपटाने के बाद, पानी वगैरह पीने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, फिर नहा के मैं आ गई थी किचन में, तो फिर यहाँ पे मैंने उसका टिफ़िन बनाया। और आधा पराठा मैंने खुद के लिए भी बना लिया था, क्योंकि आज मैंने सोचा, मतलब मन कर रहा था बहुत तेज़ से कि मैं आलू के पराठे खाऊं, तो ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ आधा तो खा ही लिया। हम लोगों का हो गया जाते जाते स्कूल कैंसिल, और आपको लग रहा होगा मैं दुखी हूँ, लेकिन नहीं, मैं अंदर से बहुत हंस रहा हूँ, बहुत खुश हो रहा हूँ, खुशी आज ज्ञानू गाड़ी नहीं। तो ज्ञानू का टिफ़िन तैयार किया, उसके बाद उसको रेडी किया, लेकिन उसकी गाड़ी नहीं आई, तो फिर वो जा नहीं सका, और उसके लिए वो इतना खुश हुआ कि क्या ही कहें। तो सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं आई, मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा खुद को भी तैयार कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले बालों पे कंघी किया, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया, और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली, बस हो गया मेकअप, इतना ही मेकअप होता है मेरा। तो ये इतना अगर आप लिपस्टिक लगा लो ना, तो फिर लगने लगता है जैसे मैंने बहुत सारा मेकअप कर लिया है, तो इसलिए, और बस निकल गए। अब तो आज प्रोग्राम है गांव में, और उसकी वजह से बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो अब टाइम मिला है जाके अपने लिए, कि मैं मतलब अब अपने लिए फ्री हो गई हूँ, तो सारे काम काज निपटाने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब बात करते हैं आप लोगों से, और नाश्ता भी किया जाए। तो सबसे पहले मैंने भिगो के रखे थे कुछ पानी में, मतलब रात को भिगो दिए थे किशमिश, तो सबसे पहले उनको खाऊंगी। और मैं अपना चेंज करती रहती हूँ, मतलब 10-15 दिन पीती हूँ ये जीरे वाला पानी, फिर कभी कभी मैं किशमिश वाला पानी पीने लगती हूँ, और कभी कभी मैं अपना वो सौंफ का पानी भी पी लेती हूँ, मतलब चीज़ें चेंज करती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मेरा मन लगा रहता है, और मैं बोर नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं किसी चीज़ से थोड़ा सा जल्दी बोर हो जाती हूँ, तो इसलिए चीज़ों को चेंज करना और चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत पसंद है। तो कुछ ऐसा था। और आज हमारे यहाँ है निमंत्रण, तो मम्मी ज्ञानू सारे लोग वहाँ गए। ज्ञानू का क्या हुआ कि सडन उसकी मैजिक में मतलब कोई दिक्कत आ गई, जो उसके मैजिक वाले अंकल थे उनके साथ कोई बीमार हो गया था, उसको लेके उनको जाना पड़ा, पता नहीं क्या हुआ था एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो आज जा नहीं पाया स्कूल। तो फिर उसको मैंने मम्मी के साथ निमंत्रण में भेज दिया कि वहाँ जाएगा तो थोड़ा सा बिजी रहेगा और मुझे टाइम मिल जाएगा सारा काम निपटाने का, तो इसलिए मैंने उसको भेज दिया। और मैं बिस्तर कितना भी ठीक करूं, अगर ज्ञानू है, ये देखिए अभी मैं इसको सब फोल्ड ओल्ड करके अच्छे से गई थी, तो अगर ज्ञानू है घर में और बिस्तर ठीक रह जाए तो ऐसा तो फिर हो ही नहीं सकता है। और भाई चलो अपने लिए समय निकालना भी ज़रूरी होता है, तो मैं डेली का क्या करती हूँ कि जैसे ज्ञानू के पापा चले गए, तो फिर वो दोपहर का टाइम मेरा होता है, उस टाइम पर मैं कभी कभी किताबें पढ़ती हूँ, और कभी कभी गीता भी पढ़ लेती हूँ, कभी कभी मतलब कुछ ऐसा करती हूँ जो थोड़ा सा क्रिएटिव हो, कुछ नया जानने को मिले वैसी चीज़ें, कभी कभी वीडियो भी देखती हूँ यूट्यूब पे, तो चीज़ों पर डिपेंड करता है। चलो खैर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है। क्या
तो उधर मम्मी आरती कर रही हैं और आज ये मैंने मंगवाया है, तो मुझे लगता है मैं थोड़ी देर बाद बोलूं क्योंकि काफी तेज घंटी की आवाज आ रही है। तो ये मैंने मंगाया है अपनी फ्रिज के लिए, तो अब जब भी कोई सामान गिरेगा तो वो इसमें गिरेगा, फ्रिज में नहीं गिरेगा। तो इसके लिए मैंने मंगाया, 3 कवर है जो कि 130 के आसपास थे, लेकिन मुझे कुछ डिस्काउंट पे मिल गए, तो मुझे पता नहीं शायद 100 रुपए 110 ऐसे ही कुछ मिले हैं, कुछ डिस्काउंट तो था। अच्छा, और क्योंकि आज गांव में एक जगह निमंत्रण है और उनके यहाँ हम मतलब मैं नहीं जाती, मम्मी लोग जाती हैं। अगर मैं जाऊंगी तो फर्स्ट टाइम जाऊंगी, तो मम्मी ने बोला कि साड़ियाँ निकाल लो, तो ये वाली देखो पूरा सब बिगाड़ दिया गया उन्होंने। तो एक मैंने ये वाली निकाल के रखी है और दूसरी निकाल के रखी है ये वाली उल्टा है, तो दूसरी ये वाली निकाल के रखी है। तो अब मम्मी से पूछूंगी कि कौन सी साड़ी पहनूं और फिर उसी के हिसाब से मैं तैयार हो जाऊंगी। तो चूड़ियां तो मेरी यही रहेंगी क्योंकि ये रेड दोनों साड़ियां हैं, तो रेड में दोनों चल जाएगा। ये मैंने नेल पेंट लगा लिया था, पहले मेरे दिमाग में थी कि मैं पिंक या पर्पल कुछ ऐसा पहनूंगी, तो मैंने ये वाली लगाई थी, वरना मैं रेड लगाती। तो अब जो लगा लिया तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो चलो भाई आज इसको लगाएंगे। और जिस दिन मेरी मतलब मैं कहीं निमंत्रण में जाती हूँ तो भाई मैं डाइट वाइट एकदम भूल जाती हूँ, क्योंकि ऐसे हमेशा ध्यान देते ही रहते हैं, तो एक दिन तो थोड़ा बनता है कि चलो खुद को ट्रीट दिया जाए, और जब ट्रीट फ्री की हो तब तो और भी ज़्यादा दिया जाए। हालांकि वहाँ पे भी मेरा क्या सीन हो जाता है कि मैं बहुत सारा खाना देख के, मतलब मेरी आदत है मैं बहुत सारा खाना देख के जैसे लगता है कि मेरा पेट भर गया, तो लेकिन फिर भी अब थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ खाऊंगी। और ज्ञानों को पता नहीं है कि अभी मुझे जाना है, तो वो थोड़ी देर पहले आइसक्रीम लेके दौड़ा आया, मामा खा लो, तो वो भी मैंने थोड़ी सी खा ली, तो कुल मिला के आज चीट हो ही गया। तो चलो खैर, जिंदगी है, मजे भी करने हैं और खुद को फिट भी रखना है। तो वैसे नॉर्मली होता है कि गाँव में हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन आज सब लोग जा रहे थे तो मुझे भी बोला कि तुम भी चलो, तो इसलिए मैं पहली बार गांव के कहीं निमंत्रण में मैं जा रही हूँ, तो थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, बट हाँ ये है कि चलो अब धीरे धीरे आना जाना पड़ेगा ही, तो चलो चलते हैं। तो थोड़ा सा रेडी हुए और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस हल्का फुल्का सा कर लिया और फिर उसके बाद जाएंगे। तो वहाँ पे मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या क्या खाना, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ नहीं खाना है और लेकिन थोड़ा बहुत तो खाऊंगी ही खाऊंगी, और इसीलिए आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था क्योंकि मुझे पता था कि अगर जाऊंगी तो थोड़ा बहुत ऑयली तो हो ही जाएगा, तो इसके लिए। और फिर रेडी होने के बाद ज्ञानू से और मैं और ज्ञानू बातें भी कर रहे थे, तो बस रेडी हो गई और रेडी होने के बाद फिर हम लोग निकल गए। तो ये देखिए कुछ ऐसा मेरा लुक क्रिएट हुआ है, मैं पूरा आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ ऐसा है। और बस चलेंगे अब वहाँ पे और वहाँ से आके फिर आप लोगों को मतलब वहाँ का पता नहीं कुछ बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी, शायद नहीं ही बनाऊँगी। तो ये वहाँ से हम लोग निकल आए थे और यहाँ पे जैसे आप जानते हो कि गांव की बहू मैं, तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगा था कि मैं यहाँ पे मोबाइल यूज़ करूँ, जिसके कारण मैंने वहाँ पे मोबाइल नहीं यूज़ किया और बस वहाँ से घर के लिए निकल गया। तो ये इधर थोड़ा सा बारिश भी हुई थी हमारे यहाँ, वो भी था और आज इनके यहाँ प्रोग्राम भी था, तो सब लोगों ने पता नहीं पानी वानी शायद डाला होगा पीछे से, क्योंकि हम लोग पीछे साइड से आए हैं, तो इसके कारण ये यहाँ पे काफ़ी गीला गीला हो गया था, हालांकि उन्होंने वो रखा दिया था ईंटें। और अब चलेंगे घर। तो भाई कुछ ऐसा लुक क्रिएट किया था, वहाँ से भी आ गई हूँ, रात के बजे हैं 11:30 और क्या हुआ कि वहाँ पे मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया, उसका एकमात्र रीज़न ये था कि गांव की शादी थी और गांव में मतलब ससुराल पक्ष के गांव में थोड़ा सा मतलब कुछ पता नहीं किसी को अच्छा लगता ना अच्छा लगता, या फिर अच्छा भी लगता, ज़रूरी नहीं है कि सबको बुरा ही लगता, तो मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं थी वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने फ़ोन मिश्रा जी को दे दिया था और मिश्रा जी भी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि उन्हीं का गाँव है। तो भाई अगर थोड़ा बहुत जो भी था अगर वो अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सबसे पहले जो जिसमें मेरा ध्यान है ना वो ये है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट कर रहे हैं, इरिटेट क्या जैसे मतलब चुभ से रहे हैं,
तो सबसे पहले तो इन्हीं को निकालूंगी। मेरे साथ एक्चुअली एक दिक्कत हो जाती है कि मैं जरा बड़ा बड़ा सा पहनती नहीं हूँ, तो मुझे समस्या हो जाती है। चलो खैर, वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर कर देना, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।